फर्रुखाबाद जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल के नाम कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंपा। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंप भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। वर्ष 2023 की एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर अपराध पहले स्थान पर, भारत में होने वाले अपराध में 15वें स्थान पर उत्तर प्रदेश, बीएचयू की छात्रा के साथ गन पॉइंट पर 3 भाजपा नेताओं ने नग्न अवस्था में दौड़कर दुष्कर्म किया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने व पीड़िता के पहचान लेने आरोपियों की पुष्टि होने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं की गई। उत्तर प्रदेश में महिला सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। वाराणसी की बेटियों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार के प्रधानमंत्री व संसदीय क्षेत्र के सांसद भारत की बेटियों से मांगे माफी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने बीएचयू कांड में भाजपा के लोग शामिल होने की बात पर मुकदमा किया था। दर्ज भाजपा के लोग शामिल निकालने के बाद मुकदमा वापस लिया जाए। कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ प्रदेश के सचिव ने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। फतेहगढ़ के कलेक्टर परिसर का मामला। देखिए, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध बड़ी संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये संज्ञान में आया है कि उत्तर प्रदेश जो है देश में महिलाओं के अपराध के मामले में नंबर एक पे है और केवल 15% जो अपराधी के आंकड़े हैं इसी रिपोर्ट में आया है कि केवल उत्तर प्रदेश से हो रहे हैं। और अभी जो एक घटना है जिसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया वो उसमें जो है बनारस की एक घटना है। बनारस जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है और उसके बावजूद वहाँ IIT की एक छात्रा के साथ भाजपा के 3 युवा नेताओं द्वारा जो है उसको गन पॉइंट पे उनका नग्न वीडियो बनाया गया, उसके बाद उसके साथ बलात्कार दुराचार की घटना घटी और जो है उसकी सीसीटीवी फुटेज और उसके बाद सीसीटीवी रिपोर्ट और 8 तारीख को ये दोनों नंबर की घटना है। 5 तारीख को सीसीटीवी फुटेज में भी अपराधियों की देखा गया और उसके बाद जो है 8 तारीख को जो है पीड़िता ने भी बयान दिए, लेकिन उसके बाद 2 महीने तक कोई भी अपराधियों की मतलब गिरफ्तारी नहीं हुई। हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने ये कहा कि ये जो घटना हुई है इसमें भाजपा के लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके ऊपर द्वेष भाव से जो है एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। ये मुकदमा बाद में ये बात सिद्ध हो गई कि इसमें भाजपा के कार्यकर्ता ही इन्वॉल्व थे, तो ऐसी घटना के बाद जो है उनके ऊपर जो द्वेष भाव से मुकदमा दर्ज किया गया उसको तत्काल वापस लेने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में इस तरीके की घटना जो है एक शर्मनाक घटना है। उनको बनारस की बेटियों से जो है तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए और उनको न्याय प्रक्रिया में जो विलंब हुआ है ये बहुत ज़्यादा खेदजनक और चिंताजनक है। कहीं ना कहीं उनकी मनसा पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाता है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।